नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रेशम खान और स्वागत है आप सभी का बात मुद्दे की। जैसे जैसे तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुमान खोजे जा रहे हैं। वही लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर है और सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी है और तैयारियों में लगी हुई है। वही सवाल है कि क्या पंजाब में पिछली बार की तरह कांग्रेस अपनी 8 सीटें बरकरार रखती है या कांग्रेस को 8 सीटों में कुछ सीटें गंवानी पड़ सकती है। वहीं अगर बात करें 2019 में हुए पंजाब लोकसभा चुनाव की, तो आपको बता दें पंजाब लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों में से कांग्रेस को 8, SAD को 2, BJP को 2, वहीं आप को 1 सीट मिली थी। वहीं बात करें वोट शेयर की, तो आपको बता दें जहां कांग्रेस को 40.12% वोट प्राप्त हुए थे, वहीं SAD को 27.45%, BJP को 9.63%, तो वहीं आपको 7.38% वोट। वहीं अगर बात करें पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट की, तो इस सीट से भाजपा के सनी देओल ने कांग्रेस के सुनील जाखड़ को 82,459 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं बात करें वोट शेयर की, तो इस सीट से जहां भाजपा को 50.61% वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को 43.14% और आपको 2.51% वोट प्राप्त हुए। वही ऐसे ही अगर बात करें अमृतसर लोकसभा सीट की, तो इस सीट से कांग्रेस के गुरजीत सिंह ओजला ने BJP के हरदीप पुरी को 99,626 वोटों के अंतर से हराया था। वही अगर बात करें वोट शेयर की, तो जहां कांग्रेस को 51.78% वोट मिले थे, तो वही BJP को 40.19% और आपको 2.34% वोट प्राप्त। और ऐसे ही अगर बात करें जलंधर लोकसभा सीट की, तो इस सीट से कांग्रेस के चौधरी संतोख सिंह ने SAD के चरण सिंह को 58,691 वोटों के अंतर से मात दी थी। वहीं बात करें वोट शेयर की, तो इस सीट से जहां कांग्रेस को 37.85% वोट मिले थे, वहीं SAD को 35.94%, BSP को 20.1% और आपको 2.5% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं अगर लुधियाना लोकसभा सीट की बात करें, तो इस सीट से जहां कांग्रेस को 36.66% वोट मिले थे, वहीं SAD को 28.6% और आपको 1.52% वोट प्राप्त हुए। वहीं बात करें भटिंडा लोकसभा सीट की, तो इस सीट से SAD के हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा को 61,772 वोटों के अंतर से हराया था। ऐसे ही बात करें वोट शेयर की, तो जहां SAD को 41.4% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 39.23%, आपको 11.19% वोट प्राप्त हुए। वहीं आपको बता दें पटियाला लोकसभा सीट से, इस सीट से कांग्रेस के परनीत कौर ने SAD के सुरजीत सिंह को 1,62,718 वोटों के अंतर से हराया। वहीं वोट शेयर की अगर बात करें, तो इस सीट से कांग्रेस को 45.17% वोट प्राप्त हुए थे, वहीं SAD को 31.35% और आपको 4.83% वोट मिले। तो ये तो थे 2019 में हुए लोकसभा सीटों के आंकड़े। अब बात करें 2014 पंजाब लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें पंजाब लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों में से जहां कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, वहीं SAD को 4, आपको 4, भाजपा को 4 सीटें मिली। वहीं आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां बड़े जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं चुनावी मैदान में उतरने से पहले सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी हैं और पंजाब में भी लोकसभा चुनाव में जीत की तैयारियों को लेकर रणनीति बनने लगी है। वहीं इन तमाम तैयारियों को देखकर ये देखना दिलचस्प हो गया है कि इन सभी तैयारियों के बाद इस लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, किसके हिस्से कितनी सीटें आती हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे नए मुद्दे के साथ। बात मुद्दे की में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।